बिस्मिल्लाह। आज हम आलू की बिरयानी बना रहे हैं। 1 किलो चावल और 3 पाव आलू। आलू शौक से खाए जाते हैं। ये देखिए, ये 1 गड्डी हमने पुदीने के लिए हरा धनिया इसमें मिक्स कर दिया है और 7-8 हरी मिर्चें हमने बीच में से कट लगा के इसमें डाल दिए। और ये प्याज लिए, 1/2 किलो प्याज थी वो तल ली है हमने उसको। बिरयानी के लिए हमें मसाले चाहिए होंगे। ये 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, ये 3 चम्मच हमने लहसुन अदरक के लिए है, ये 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच हमने भर के गरम मसाला लिया है, ये ज़ीरा है 1 चम्मच। जब हम चावल उबालेंगे तो उसमें ज़ीरा और ये मिक्स गरम मसाला जो होता है वो डालेंगे। इस पे छोटी इलायची 7-8 है, 2-3 हमने बड़ी इलायची लिए, जायफल, जावित्री और ये जो हैगा दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें 10-12 ली हैं और 8-9 हमने लौंगी ली है। ये गरम मसाला है हमारा, ये हम जब उबालेंगे जब डालेंगे। और ये हमारा दही है, जब मसाला तैयार करेंगे तो दही डालेंगे। और ये आलू है हमारे 3 पाव के करीब। जो हमने प्याज ली थी, तल ली थी, आपको बताया था, ये प्याज है, इसमें हरा धनिया पुदीना हरी मिर्ची है ये डाल रहे हैं, शामिल कर रहे हैं इसमें, सब मिक्स करेंगे, मसाला सारा मिक्स कर रहे हैं मसाला। ये टमाटर भी आ गए हमारे इसमें, सब हम साथ मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे आलू गल जाएंगे तो हम मसाला डालेंगे। और ये गरम मसाला है हमारा, इसमें सब चीज़ है जो हमने बताया आपको वो है। अब हम इस तरह मिक्स कर लेंगे इसको। मसाला मिक्स हो चुका है और इसमें हमने जो जो मसाले आपको बताए थे वो सारे मिक्स कर दिए हैं इसमें। आलू गल जाएंगे, मसाला लाएंगे फिर आपको बता। अब इसमें हम पुदीना मिर्च डाल रहे हैं। ये दही है, नमक डालेंगे थोड़ा, खाते जायका डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि आलू गल जाए हल्की आंच पे। आलू गलने के लिए पानी डाल रहे हैं ताकि पानी आलू गल जाए। थोड़ा डालेंगे, हल्की आंच पे रखेंगे, इसी में गल जाएंगे आलू, इसी पानी में रखेंगे, फिर दम पे भी आएंगे चावलों के साथ। बहुत ये देखिए, हमारे आलू गल चुके हैं, आलू ये तैयार हो गए हैं। बस हम निकालेंगे हैं बाहर, फिर हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करेंगे आलू ये देखिए, हम मसाला डाल रहे हैं, जो सारा मसाला आपके सामने बनाया था हम वो सब डाल रहे हैं इसमें, ताकि ये अब हम मसाला पकाएंगे। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं टमाटर, और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे फिर मसाला तैयार होता है के आँच पे। ये देखिए, मैं आलू बुखारे डालना भूल गई थी, बताना भी आपको, अब मैं डाल रही हूँ 5-6 आलू बुखारे। और ये सिंधी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी आलू की। ये देखिए, 1 मुट्ठी के बराबर नमक डाल रही है। चावल उबालने के लिए पानी रखा है, जो गरम मसाला आपको दिखाया था वो गरम मसाला है, और ये ज़ीरा है। अब हम इसमें 1 कप गिर तेल डाल देंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। 1 कप गिर हमने तेल डाल दिया, पानी में खोला चुकी है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, हैं बनस्पति चावल हमने 1 किलो आराम आराम से डाल देते हैं ताकि छिलकना है हमारे ऊपर। अब बिरयानी हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम पानी पसा रहे हैं इसका। ये देखिए कितना अच्छा चावल है, लंबा चावल, बहती हुई खुशबू भी अच्छी आ रही है, लग रहा है हाँ बिरयानी का चावल है। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब हम इसमें आलू डालेंगे, दम पे लगा रहे हैं हम आलू, मसाला डालते हैं अच्छी तरह। ये देखिए, इस तरह फैलाइएगा आलू मसाले के ऊपर, बिल्कुल दम पे लगा दीजिए, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। मसाला तैयार हो चुका है, हम इसमें चावल डाल रहे हैं। तुम्हारे हाथ में
सही है। अब ये देखें चावल डाल दिए मैंने, बिरयानी हमारी 10 मिनट बाद तैयार हो जाएगी। अब चावल हम डाल रहे हैं इसमें, फिर हम इसे डालेंगे जो प्याज हमने तली वो फैला दें अच्छी तरह इनको। ये देखिए मैं तेल डाल रही हूँ, इसमें कलर डाल रहा हूँ, कलर डाल दिया मैंने, इससे चावल की और खुशबू अच्छी हो जाती है। ये देखिए मैंने कलर डाल दिया, दम पे लगा दिए, तेल भी डाल दिया है। अब मैं इनको ढक रही हूँ 10 मिनट में। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है और भाप निकल रही है, हमने कैमरे पे आ जाती है इसलिए आप देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, इसलिए मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए बिरयानी, आप देखेंगे मिक्स कर रही हूँ बिरयानी में, आप देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है जब आप बनाएंगे, और आप देखेंगे कि कितनी खुशबू आ रही है बिरयानी में और कितनी अच्छी लग रही है बिरयानी, और मसाला भी देखें भरपूर मसाला है। ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, सिंधी बिरयानी, और इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेगी आप बनाएंगे तो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।